ये लो गाइस पूजा का दूल्हा। अच्छा पूजा का दूल्हा। अब हमारे फैमिली ने गाइस एक और फंक्शन ऐड कर दिया है। हाँ पूरी रोड में सिर्फ रावत ही रावत है ना, कितने सारे है कलरफुल। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो आज मन्नू एंड मैं जा रहे हैं राजौरी गार्डन। सो हमने कहा आज अपने सबसे पहले तो वेडिंग एंड कॉकटेल के इन फंक्शंस के हम लोग कपड़ों के जो भी हमें फिक्स करने हैं, जो भी लेने हैं शॉप्स पे देखकर जहाँ पे भी है वो अपना फाइनल कराते हैं, आउटफिट अपने फाइनल कराते हैं। और आज वेडनेसडे उनका ऑफ भी, हमने कहा आज घूमने की जगह पहले हम यही काम करते हैं बिकॉज नेक्स्ट वेडनेसडे मैं होंगी शिरडी में, फिर उसके बाद नवंबर ही आ जाएगा। तो अभी बस नहीं एक और वेडनेसडे भी आएगा, हाँ अक्टूबर में एक और वेडनेसडे भी आएगा, डेट कितना मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। सो आज हमने मैंने कहा आज हो टाइम से, फिर हम टाइम से निकल के रजौरी चल लेते हैं। और क्या कहते हैं बाकी अभी दिन की शुरुआत तो हुई, लेकिन रोज़ अब आजकल मैं जल्दी ही उठ रही, 9 बजे के अराउंड, 9 से भी शायद पहले, बट हाँ आज तो 9 बजे उठी हूँ। 9 बजे उठ गई थी एंड साइड डस्टिंग वगैरह कर लिया, बस अभी रोमा आके झाड़ू पोछा जो लगाना होगा वो लगा जाएंगे एंड उसके बाद फिर रेडी होके फिर हम लोग रजौरी के लिए निकलेंगे। मम्मी को भी बोला है रजौरी चल लो, बट मम्मी कह रही है मैं अब रोज़ रोज़ नहीं निकल पा रही, मैं आज घर पर ही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर एक दिन मम्मी के लिए भी रजौरी जाना ही पड़ेगा। और फिर आज हम एटलीस्ट एक आइडिया भी ले आते हैं क्या है, जहाँ से भी फाइनल करना होगा मम्मी को फिर वहीं ले जाएगी, तो वही बेटर है। एंड कल वैसे भी रजौरी के लिए चांदनी चौक पापा के साथ भी जाना है, तो वहाँ पे भी एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से भी हमें आउटफिट फाइनल करना होगा वहाँ से कर लेंगे। सो अब आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। बाहर तो आज बहुत अच्छी धूप आ रखी है, सुबह तक तो ठंडक थी, मतलब धूप नहीं थी, ठंडा ठंडा ही मौसम था। कल तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, बट आज धूप अच्छी खासी निकली हुई है एंड अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। मतलब ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे वाला मौसम अच्छा लगता है, प्लेजेंट वेदर रहता है। बहुत बड़ा हार ले आया ना पापा मम्मी, ले आते हैं। हाँ छोटा नहीं होता है। अच्छा कोई नहीं, पूरे मंदिर में वो कर दो ना, सब पे कर दो फिर ना। ये पिछली बार से बड़ा लग रहा है। हाँ पिछली बार वाला ना। हाँ ये सारे में आ जाएगा, सारे में आ गया। कोई नहीं, ये भी लाया। हाँ पापे वाले सुंदर ला रहे, वैसे ही लाया, दिखाना कैसे वाले लाए हैं पापा। अच्छा तो पिंक है, उस दिन तो पता नहीं ऑरेंज रेड लाए थे, बड़े सुंदर लाए थे। एक तो मैं यहाँ लगा देती हूँ माता रानी, मुझे अच्छा लगता है। कर लो आराम से। मम्मी वाले बैग फिर भिजवाई दिया ना, ठीक है ना, रिटर्न के लिए आए थे, अब फिर वहाँ पे जाके देख लेंगे है ना। ठीक है थैंक यू भैया। हाँ जी आज बना है मतलब बने हैं आलू के परांठे, परांठे तो वैसे ही बोलते हैं, परांठे निकल जाता है एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि परांठे बोलते हैं, बट मैंने यही बोला, मैंने कहा परांठे हो या परांठे हो ज़्यादा तो पेट में ही है, तो खाने पे ध्यान देना चाहिए ना कि ये परांठे है परांठे, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो अभी एक बना है और एक और अभी बन रहा है। परांठे का यही रहता है कि गर्म गर्म खाओ तो ही मज़ा आता है, ठंडा हो जाता तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता परांठे का ना। हाँ बहुत वेट करवाया है। हेलो गाइस कैसे हो आप सब? आज किसने वेट करवाया फिर? दो बजे का बोला था। आज मम्मी भी है, मम्मी को भी आज। हाँ चलो कोई कस्टमर आ गए थे अर्जेंट, बुधवार को वेडनेसडे क्लोज होती है तो काम पहले नहीं होता, कस्टमर आ गए उनको अर्जेंट जाना है दिल्ली से बाहर कपड़े लेने के, तो उस चक्कर में कोई फिर तो चलो बनता है। यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, आज ही हुई है ना, पहले तो आवाज़ बंद हो गई थी इनकी। हाँ आज ही हुआ है। हाँ अच्छा ये बताओ सूट के कैसे लगे सारे? बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं ना, बाकी सूट्स बहुत अच्छे हैं गाइस, और जन्मदिन बहुत अच्छे से था, मजा आ गया। और आपके कलर भी ब्राइट लिए? हाँ मैंने सारे ब्राइट लिए, पर तो अभी मैं ओपन करके नहीं दिखा रही बिकॉज मुझे बहुत लोग बोल भी रहे थे दिखाओ दिखाओ, बट वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हाँ
और भाई राहुल जब हमारी शादी नजदीक आने वाली है, अब आपको सारे फंक्शन, और हाँ मैं बताना भूल गया कि अब हमारे फैमिली ने गाड़ी एक और फंक्शन ऐड कर दिया है, माता रानी का। हमने कहा शादी से पहले मेरे घर वाले कहते पड़े कि शादी से पहले भगवान का नाम भी लिया है, तो उसलिए हमने एक फंक्शन और ऐड किया है, और आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, माता रानी का जागरण वगैरह सभी चौकी जो भी है आपको सब दिखाएंगे। हाँ तो मम्मी बोर कपड़ों की वो है टेंशन, सबको ही बड़ी टेंशन, हाँ सबको टेंशन हो रही है, टेंशन दो को यहाँ पे, तीन को हमारे घर है गुरुजी का सत्संग, और उसके बाद फिर 13 और 14 को है फंक्शंस, देखते क्या होता है अब आगे। चलो अभी तो चलते हैं, बस मैं 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, ठीक है चलते हैं। हाँ 5 मिनट। सो गाइज मैं भी फाइनली 5 मिनट में रेडी हो गई हूँ, देख लो बंदू 5 मिनट में हो गई मैं रेडी। हाँ जी। सो मैंने जो आज वियर करा है ये बहुत ही प्यारा सा कोट सेट वियर करा है, ये है जिया कलेक्शन की साइड से। सो मैं आपको एक बार इसका फुल लुक दिखा देती हूँ, एक बार फुल लुक दिखा लो क्या। येलो। सो ये इसके नीचे भी ये टैजल दे रखा है, पैंट्स पे भी नीचे टैजल था बट वो मैंने हटा दिया था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा लंबा हो रहा है। इसका पूरी स्लीव्स पे टैजल है एंड जो इसका नेक पे है ना, नेक पे ऐसे है, ये देख सकते हैं, ये इसे जो भी इसे मतलब कहते हैं उसी से ही पूरा बना हुआ है, बहुत सुंदर है। इसका जो फैब्रिक है गाइस बहुत बहुत अच्छा फैब्रिक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकती है। एंड अभी फेस्टिव्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्यारी प्यारी कलेक्शन आ रखी है, एंड ये वाला तो मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा था, बहुत कम्फर्टेबल है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो कॉमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा है। अभी रजौरी में हम सबसे पहले इंसेंस में आया, हमने कहा थोड़ी चलो बाद के लिए भी थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, बाद में पता चलेगा जब बाद में घूमना है ना, देखते हैं इंसेंस, मैंने कहा देख लेते हैं इंसेंस, तो बहुत पहले आती थी मैं यहाँ पे, कलेक्शन तो बहुत अच्छी है। बर्थडे की जो ड्रेस नहीं थी, हाँ जी, जो ब्लिंकी ब्लिंकी थी, यहीं से ली थी। आपका हो गया फाइनल? ये लो गाइस पूजा का दूल्हा। अच्छा पूजा का दूल्हा, वेरी गुड, तो सही लग रहे है वाली। ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ। शॉपिंग कर करके इतना थक गए थे, अभी 0 डिग्री आए रजौरी में था, तो मैंने बहुत दिनों से बोल ही रही थी है ना 0 डिग्री का, तो बिल्कुल खाली ही पड़ा हुआ है नवरात्रे करके ना, हमने भी प्राइस वगैरह ही ऑर्डर करे हैं जो खा सकते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा एम्बियंस 0 डिग्री का, बहुत अच्छा ही बना होता है, तो खाना बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है। या हमने जो ऑर्डर करे हैं तंदूरी फ्राइज ऑर्डर करे हैं एंड कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करे है, हेजलनट कोल्ड कॉफ़ी माय फेवरेट। पूरी रोड में सिर्फ रावण ही रावण है ना, कितने सारे है कलरफुल, कि सब बस अभी दशहरा तक ही है। हंसी नहीं आ रही थी देखकर, कितने फनी फनी से बना रखे हैं। सो गाइज घर आ गए हैं वापस, एंड मतलब रजौरी में घूमे बट अभी कुछ लाए तो नहीं है हमने, मतलब शेरवानीज देखी, लहंगाज देखे, तो एक लहंगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है और बहुत बहुत प्रीटी है, पर इतना हैवी लहंगा है मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा वेट था। मन मुझसे यही पूछ रहे थे कि इतना हैवी लहंगा तो कैरी कर पाएगी, तो मैं चल चल के दिखा रही थी हाँ मैं कर लूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रीटी लहंगा था। और क्या कहते हैं, प्लस अभी कल जाना है चांदनी चौक, तो मैंने अभी फाइनल नहीं करा, मैंने कहा एक बार चांदनी चौक जाकर वहाँ पे चीज़ें देखते हैं वहाँ पे कैसे है, एंड इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके फाइनल कर दूँगी अगर वहाँ पसंद नहीं आता कुछ। एक सूट देखा था अभी जैसे बताया माता की चौकी भी एक और फंक्शन ऐड हो गया है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा सूट देखा था, बट इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव, लाइक डिस्काउंट के बाद वो 17,000 का सूट दे रहा था, मैजेंटा पिंक कलर का था, वेरी वेरी प्रिटी सूट। मतलब हम जैसे रजौरी में एंटर करे मनमेल मुझे सीधा उस पर गई, हमने कहा बहुत सुंदर सूट है ये वाला। सो अभी तो शॉपिंग चली रही है, कल चांदनी चौक जाके देखते हैं क्या क्या पसंद आता है क्या क्या पसंद नहीं आता, सूट्स वगैरह भी लेने हैं। पापा तो मतलब सब्सक्राइबर्स भी बहुत लोगों ने बोला है कि चांदनी चौक बहुत वेराइटी है, एंड प्लस इधर के कंपैरिजन में उधर प्राइस कम मिलेगा, तो मैंने कहा चलो एक बार शादी के बहाने एक बार चांदनी चौक एक्सप्लोर कर आते हैं। सो गाइस बस अब जाती हूँ अंदर सोने के लिए, और इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करते हैं यहीं पे, एंड मिलते हैं आपको कल वाले ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।